हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ओपो चैनल। दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में जो VPN सेटिंग आपको बताने वाला हूं, उसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों आजकल जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है, जिसकी वजह से कि जो नई नई जो VPN सेटिंग मैं आपको बताता हूँ तो उसे आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो VPN सेटिंग है ये हर किसी सिम में वर्क करेगा, वो चाहे आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल या फिर BSNL का सिम है, ये हर किसी में वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये लास्ट जो है VPN सेटिंग है इस साल का, तो दोस्तों इसे जो है एक बार ज़रूर ट्राई करना। और मैं इसमें आपको नहीं बताऊँगा कि कितने आपको इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है, लेकिन मैं आपको एक बार जो है स्पीड टेस्ट करके दिखा दूँगा, जिसके लिए कि हम ओकला एप्लीकेशन का यूज करेंगे। दोस्तों, VPN को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो सेटिंग है उसे ओपन करना है। और जब सेटिंग को आप ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क या फिर आपको सेलुलर डेटा नेटवर्क के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको एक्सेस पॉइंट नेम या फिर VPN के नेम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको नीचे के न्यू VPN या फिर आपको जो है कहीं प्लस का आइकॉन या फिर आपको जो है कहीं पर न्यू VPN के नेम से कोई छोटा सा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक जो है फॉर्म टाइप ओपन होगा, तो आपको यहाँ पर जो है इसे फिलअप करना है। तो मैं उसे जो है पहले क्रिएट कर चुका हूँ जिस VPN के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहले वाला है वो डिफ़ॉल्ट वाला VPN है, जो कि पहले से ही जो है मोबाइल में सेट रहता है। तो दूसरे वाला जो मैंने अभी क्रिएट किया है, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो आपको नेम में क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है HEX और उसके बाद अल्फ़ा, और उसे जो है आपको ओके कर देना है। और VPN में आपको लिखना है HEX98 और इसे भी आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यूजर नेम में आपको 4G सपोर्ट, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो 4G का जो G है उसे आपको कैपिटल रखना है, और इसके बाद आप इसे ओके कर दें। और इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको सर्वर में आपको www.google.com और इसे आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर MMSC या फिर MMS Proxy, MMS Port, इन सबको आपको जो है नॉट सेट रहने देना है। और इसके बाद MCC और MNC, ये आपके एरिया के हिसाब से जो है सेट रहते हैं, तो इनमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और इसके बाद दोस्तों आते हैं ऑथेंटिकेशन टाइप में, तो आपको PAP और CHAP आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आते हैं VPN टाइप में, तो VPN टाइप में आपको यहाँ पर जो चार ऑप्शन मिल रहे हैं जो स्टार्टिंग के, यानी कि SUPL, वेब और नेट, आपको इन्हें जो है सिलेक्ट करना है और इसे ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर VPN प्रोटोकॉल में आपको IPv4/IPv6 सेलेक्ट करना है, और इसके बाद IP रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 ही सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग बियरर के बारे में। तो बियरर में आपको जो है LTE को सिलेक्ट करना है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो LTE है वो हर किसी फ़ोन में सपोर्ट होता है। और इसके बाद जो अदर जो ऑप्शन है उन्हें अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी को आपको सिलेक्ट करना होगा। और अगर ये सिलेक्ट नहीं होते हैं, अगर ये सपोर्ट नहीं होते हैं, तो आपको LTE को ही आपको सपोर्ट करना है। तो यानी कि आपको LTE पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप इसे सेव करते हैं तो आपको इसे जो है आपको सेलेक्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो है अभी स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि अभी आपको कितनी इंटरनेट स्पीड मिल रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 87.5 डाउनलोड स्पीड और यहाँ पर अपलोड स्पीड जो है 33.1 MBPS मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो ओकला एप्लीकेशन है इसमें जब भी हम स्पीड टेस्ट करते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर जो 10 MBPS की जो स्पीड होती है वो 1 MBPS के बराबर होती है। तो आप यहाँ पर 87 यानी कि यहाँ पर जो है कम से कम 8 MBPS की स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो है कम से कम 3 MBPS की जो है आपको अपलोड स्पीड मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।